अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी पर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हमें पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, हमें उसका ग्रॉस देखना है ना, जो मेन पैथोलॉजी पर आ गए, ग्रॉस देखना है, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखना है, हिस्टोपैथ देखना है ना, और अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमें देखना है तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। वो अगर कहीं कहीं पर दी रहेगी तो वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो रहती है ट्यूमर्स की, अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन लोकेशन जो रहती है वो हिलार रीजन में रहती है, ठीक है। जो लंग्स का जो हाइलम होता है यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, हिलार रीजन। मोस्ट लीजन अराइज फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ब्रोंका, यहीं पर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर जो ब्रोंका होंगे वहीं पर हमें मिलेगा। फ्यू अराइजेस फ्रॉम पेरिफेरल एल्विलर सेप्टम, सेप्टल सेल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल, बहुत कम होते हैं जो पेरिफेरी में मिलते हैं ना, एडिनो कार्सिनोमा पेरिफेरी में मिलता है। पेरिफेरल ट्यूमर्स आर यूजुअली एडिनो, वही लिखा है, एडिनो कार्सिनोमा जो है पेरिफेरी में मिलता है। फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की बात करें, एक एक के बारे में बहुत, देखो बहुत सारी चीजें हम एक छोटी छोटी हेडिंग में पढ़ेंगे, पूरा जो चीज है वो आपके स्टैंडर्ड टेक्सट बुक से लिया गया है, रॉबिन्स और हर्शमोन दोनों का मिक्सअप है ना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एपिडेमोलॉजी जो है मैन, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, हिस्ट्री ऑफ टबैको, मैन आ जाएगा और हिस्ट्री ऑफ टबैको स्मोक अगर है, मतलब आएगा हिस्ट्री ऑफ टबैको स्मोक होगा और उसमें इंसान आदमी होगा, मेल मेल प्रिडोमिनेंस है, ठीक है। टिपिकली अराइज सेंट्रली सेंट्रली इन द लार्ज ब्रोंकाई, सेंट्रली अराइज होगा, लार्ज ब्रोंकाई में प्रेजेंट होगा। मैक्रोस्कोपिक फीचर्स देखोगे तो हमें सेंट्रली लोकेटेड मास देखेगा, सेंट्रली लोकेटेड मास देखेगा, नेक्रोसिस और कैविटेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्रोसिस और कैविटेशन हो सकता है क्योंकि उसकी लोकेशन सेंट्रल है, इसलिए नेक्रोसिस और कैविटेशन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या होंगे, माइक्रो क्रिएटिन पीएल्स, ये बस इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिन पीएल इंटरसेल्यूलर चेंजेस। पूरे आप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में एक दो चीज हमें लिखनी है तो क्या लिखोगे, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्रिएटिन पीएल्स दिखेंगे और इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस भी दिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। वेरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, वेल डिफरेंशिएटेड हो गए, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होंगे और पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। मेन इसका आज का जो जस्ट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वो क्रिएटिन पीएल्स दिखना है और इंटरसेलुलर ब्रिजेस देखने। हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स की बात करें तो स्पिंडल सेल कार्सिनोमा इसका एक सब टाइप है, बाईफेजिक ग्रोथ पैटर्न ये शो करता है, ठीक है। स्प्रेड एंड एडजेसेंट चेंजेस की बात करें, टेंड टू स्प्रेड रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होगा और बाकी जो एज कम्पेयर टू द अदर हिस्टोलॉजिक टाइप्स है उनके कंपेरिजन में, ठीक है। एडजेसेंट ब्रोंकाई में जो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, बहुत सारे मेटाप्लेजिया होगा, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होगा और कार्सिनोमा इनसीटू दिखा सकते हैं जो ब्रोंकाई आसपास वाली, ठीक है। बस खतना इतना ही लिखना है, ये डायग्राम हो गया, केराटिनाइजेशन आपको दिख रहा है, केराटिन पीएल्स दिखेंगे इस तरह के, है ना, इस तरह का दिखेगा आपको, ये एक दो तीन दिख रहा है ना, होल्स दिख रहे हैं इसके, अनअफेक्टेड एल्विओलाई है और मैलिग्नेंट स्क्वैमस सेल्स है उसके आसपास। अब पेपर में कैसे आता है, एमसीक्यू की अगर हम बात करें, नीट पीजी की बात करें, तो ये डायग्राम दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भैया क्या दिखेगा हमें, है ना, ये कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है, तो ये चीज अच्छे से डायग्राम्स अच्छे से दिख रहे हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात करें तो एपिडर्मल सिगरेट स्मोकिंग से एसोसिएटेड होती है, नियर द हाइलम, ये भी हमें सेंट्रल लोकेशन मिलेगा, हाइलम के आसपास मिलेगा, है ना, राइज सेंट्रल इन द लंग, ऑफन नियर द हाइलम। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो ओड लाइक सेल्स मिलेंगे, वहां पे हमें क्रिएटिन पीएल्स मिले थे और इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिले थे, यहाँ पे हमें ओड लाइक सेल्स मिलेंगे। फ्रिक्वेंट एंड एक्सटेंसिव नेक्रोसिस यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस प्रेजेंट होगा, वहां भी कैविटेशन नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि सेंट्रल लोकेशन था, यहाँ भी सेंट्रल लोकेशन है और नेक्रोसिस के चांसेस मिले। फिर आते सब टाइप्स, प्योर होता है और कंबाइंड होता है, ये बात ध्यान रखना है, प्योर टाइप का होता है और स्मॉल सेल कार्सिनोमा के दो टाइप्स हैं, प्योर और कंबाइंड। प्योर सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा में यूनिफॉर्म ओट लाइक सेल्स मिलेंगे, कॉर्ड्स एग्रीगेट स्यूडोरोसिस बना रहे होंगे, है ना, और कंबाइंड वाले में डेफिनेट कंपोनेंट है स्मॉल सेल कार्सिनोमा अलग विद नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के कंपोनेंट मिलेंगे, इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। तो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, क्रोमोग्रेनिन मिलेगा, न्यूरोन स्पेसिफिक एनोलिस मिलेगा, एनएसी और साइनाप्टोफाइजन मिलेगा, ये याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर हमें क्रोम हिस्ट्री दे दी, बोल रहा है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हमें क्रोमोग्रेनिन मिलेगा, न्यूरोन स्पेसिफिक एनोलिस मिलेगा, एनएसी और साइनाप्टोफाइजन मिलेगा, आपको पता अगर हो जाना चाहिए स्मॉल सेल कार्सिनोमा की बात हो रही है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा का डायग्राम देख लो तो स्मॉल सेल ट्यूमर देखेंगे, शीट्स एंड कॉर्ड देखेंगे, फाइब्रोमस्कुलर सेप्टा में आपको ये बंदे दिखेंगे ना, सीरो रोजेट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, रोजेट्स मतलब ऐसे फ्लावर जैसा दिखेगा, और नेक्रोसिस दिखेगी, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होता है यहाँ पे, ठीक।
फिर एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा जब भी याद आए तो हमें याद करना है नॉन स्मोकर्स और वुमेन को, ठीक है। एडिनो इज करेंटली मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ लंग कैंसर, पर्टिकुलरली नॉन स्मोकर्स और वुमेन, ठीक है। इट प्रीडोमिनेटली अराइजेस पेरिफेरल इन द लंग पैरेन्काइमा, में ये पेरिफेरी होता है, याद रखना है, ठीक है। वो दोनों जो हमने पढ़े थे, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, वो सेंट्रली अराइज होते हैं, नेक्रोसिस ज्यादा होता है, ये पेरिफेरलाइज होता है, ठीक है। वो स्मोकर्स में मिलता है, ये नॉन स्मोकर्स में मिलता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो एसिनर, पेपिलरी, लिपिडिक, सॉलिड और माइक्रो पेपिलरी, पांच तरह के हमें ये मिलेंगे। इसमें जो लिपिडिक होता है उसे हम ब्रोंको एल्विओलर बोलते हैं, ठीक है। ये जब हम क्लासिफिकेशन वाली जो वीडियो है उसमें भी, पहली वीडियो जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की है उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। लिपिडिक प्रीडोमिनेंट जो एडिनो कार्सिनोमा होता है, क्यूबॉइडल टू टॉल कॉलमनर सेल्स हमें मिलते हैं, ग्रोइंग अलोंग एग्जिस्टिंग एल्विओली, है ना। याद रखना जो लिपिडिक प्रीडोमिनेंट होता है, कई बार ये बुक में भी आया है इसलिए मैंने डाल दिया है, क्यूबॉइडल टू टॉल कॉलमनर सेल्स हमें मिलेंगे, है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा मैं इसीलिए सारी बुक्स, ये लेक्चर्स किसके लिए काम के हैं थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये उन लोगों के लिए काम के हैं जो साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और हाँ, अगर आखिरी में भी अब आप देख रहे हो लास्ट के दो तीन चार महीने में भी, तो भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें नोट्स भी डले हैं। आखिरी जो वीडियो रहेगी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की, कोई भी टॉपिक है उसकी जो सीरीज है उसमें जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डायबिटीज वाली सीरीज में भी लास्ट वीडियो में नोट्स है उसके सारे, पूरा कंपाइल करके हुआ नोट्स है, तो आप उसका प्रिंटआउट निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं काफी मेहनत करके बनाए जा रहे हैं, है ना। आपकी जो बुक्स हैं रॉबिन्स और हर्ष मोहन दोनों को पढ़ा जा रहा है, कोई भी चीज छूट रही है तो उसको ऐड किया जा रहा है दोनों में से, है ना। और वो उस डाल करके फिर ये लेक्चर्स बन रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने तीन चार पांच दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ सके और उनको भी हेल्प हो सके। इसका सबसे अच्छा हेल्प ये होगा कि आप पहले ये लेक्चर देख लो, उसके बाद आप किताब पढ़ लो। किताब पढ़ना जरूरी है, मैं डे वन पे भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा, किताब पढ़ना, अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो तो किताब पढ़ना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। प्री इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव स्टेजेस की बात करें तो रिकॉग्नाइज स्टेजेस बिफोर इन्वेजन एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। या मैं इन्वेजिव से पहले हमें प्री इन्वेजिव और मिनिमली इन्वेजिव स्टेजेस हमें मिली हैं, है ना, एडिनो कार्सिनोमा के अंदर। स्कारिंग से एसोसिएटेड होता है, स्कार कार्सिनोमा भी इसको हम बोलते हैं, एसोसिएटेड एरियाज ऑफ क्रॉनिक स्कारिंग इन द लंग, जहां पर भी क्रॉनिक स्कारिंग है। क्रॉनिक स्कारिंग कैसे हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है बार बार, है ना, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो जब हील होता है लंग तो स्कार बन जाता है, तो वहां पे एडिनो कार्सिनोमा इज अ रिस्क फैक्टर के, हाँ एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। एडिनो कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग कम है ना, ज्यादा स्मोकर मोर कॉमन काहे में है, नॉन स्मोकर्स में। तो नॉन स्मोकर के लिए कोई दूसरे फैक्टर्स होंगे, तो वो स्कार कार्सिनोमा बोल दिया गया है कि भैया स्कार जहां पर होता है वहां पे एसोसिएटेड होता है, वहां पे आ जाता है, वहां पे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। डायग्राम की बात करें तो पेपिलरी पैटर्न हमें मिलेगा और ट्यूमर सेल्स ये रहे। एडिनो कार्सिनोमा लंग का फोटो माइक्रोग्राफ शोज लिपिडिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ ट्यूमर सेल्स अलोंग विद एल्वियोलर। अब देखो इसमें जो आप कॉलमनर क्यूबॉइड, है ना, टॉल कॉलम सेल्स मिल रहे हैं, टॉल क्यूबॉइडल टू टॉल कॉलमनर म्यूसिन सिक्रेटिंग ट्यूमर सेल्स हैविंग पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न इन सबका मिल रहा है, ठीक है। क्यूबॉइडल भी है और टॉल कॉलमनर सेल्स है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अब आते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अगेन मैन है और हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करें तो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है ये कार्सिनोमा, लैकिंग स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा के जैसे, उसके स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है, ठीक है। वेरिएंट्स की बात करें तो देख, जाइंट सेल कार्सिनोमा है, क्लियर सेल कार्सिनोमा। जाइंट सेल कार्सिनोमा पीलियोमॉर्फिक मल्टीन्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे, और क्लियर में क्लियर और फॉर्मी साइटोप्लाज्म विदाउट म्यूसिन मिलेगा, है ना। सेल्स विद क्लियर, क्लियर सेल है तो भैया सेल्स होगा और उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा। जाइंट है तो बहुत सारे मल्टीन्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे और पीलियोमॉर्फिक मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म्स के मिलेंगे। अब आता है एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा, बहुत छोटा सा ये है। एपिडर्मल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लंग कार्सिनोमा में एडिनो स्क्वैमस मिलेगा, मिक्स है जो कि, है ना, कंबाइंड बोथ केराटिनाइजेशन भी मिलेगा और ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। एडिनो कार्सिनोमा में हम देख रहे थे कि क्यूबॉइडल और टॉल कॉलमनर म्यूसिन सीक्रेटिंग सेल्स हमें मिलेंगे, तो वो ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन है। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हमने देखा था कि वो केराटिनाइजेशन हो रहा है, वहां पे केराटिन पीएल्स मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है, केराटिन पीएल्स मिल रहे हैं और हमें मिल रहा है इंटरसेलुलर ब्रिजेस, है ना, प्रेजेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। Associated with scarring, often associated with peripheral scar carcinoma. तो adenoscamous भी, हाँ, adenocarcinoma का एक फीचर था कि associated with scar है, तो adenoscamous carcinoma भी associated with scar है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे जो सभी के पांच तरह के टाइप्स थे,
वो कंप्लीट हो चुके हैं मॉर्फोलॉजी। ये आप डायग्राम देख लो, हिस्टोलॉजी ऑफ वेरिएंट लंग, ये रॉबिन्स का डायग्राम है, रॉबिन्स का है, रॉबिन्स में आपको बताया है कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा, इंटरेस्ट तो थायराइड ट्रांसक्रिप्शन, ये ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा है ए नंबर का, ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक एडिनोकार्सिनोमा में एक और थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TTF एक्सप्रेशन एज डिटेक्टेड बाय इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। TTF एडिनोकार्सिनोमा में जो ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर होता है ना, जो IHC होता है एडिनोकार्सिनोमा में, TTF आपको मिलेगा, ठीक है, IHC। वहां पे हमने क्या देखा था, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में आपने साइनोप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन और NSE देखा था, तो उसी की तरह एडिनोकार्सिनोमा का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, TTF, ये MCQ में आता है, ठीक है। फिर आता है वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा शोइंग केराटिनाइजेशन एरो, है ना, ये केराटिनाइजेशन है बी नंबर में जो है, वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल, यहाँ पे केराटिनाइजेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर सी आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, देयर आर आइलैंड ऑफ स्मॉल डीप बेसोफिलिक सेल्स एंड एरियाज ऑफ नेक्रोसिस, आपको मिल रहा है एरियाज ऑफ नेक्रोसिस मिल रहा है और स्मॉल छोटे 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 सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और लार्ज सेल कार्सिनोमा ट्यूमर सेल प्लियोमॉर्फिक एंड शो नो एविडेंस ऑफ स्क्वैमस और ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ऐसे प्लियोमॉर्फिक बड़े बड़े सेल्स मिल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ये देखो बड़े बड़े हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अलग अलग फॉर्म्स के हैं, है ना, तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, यहीं पर खत्म करते हैं।